पानीपत शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। हरियाणा में गीता महोत्सव जो है मनाया जा रहा है और कुरुक्षेत्र में आप लोगों ने देखा बड़ी धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। गीता महोत्सव 2022 की शुरुआत जो है आज पानीपत में भी हो चुकी है। दो दिन ये महोत्सव पानीपत में चलना है जिसका आगाज जो है आज शुक्रवार को पानीपत के आर्य कॉलेज के साथ लगते ग्राउंड में हुआ है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह कितने स्टॉल लगे हुए हैं और स्कूली बच्चे यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसी को लेकर खास तैयारियां की हुई हैं। दो दिन क्या कार्यक्रम रहने वाले, आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, किस तरह से हुई और दो दिन क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए कुलवंत जी, आज हमारा जिला स्तरीय गीता महोत्सव उसकी शुरुआत हुई है। सवेरे जो है हवन यज्ञ से इसका कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें माननीय विधायक महिपाल ढांडा जी और हमारे उपायुक्त महोदय श्री सुशील सारवान जी यहाँ पधारे थे और अन्य जो है नेता यहाँ आए थे। हवन यज्ञ के बाद उसकी विधिवत रूप से शुरुआत की गई। इसके बाद हमारा जेल परिसर में कार्यक्रम वहाँ भी चल रहा है, जो हमारे कैदी हैं उनको गीता का पाठ करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा 3 बजे आज जो है कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारी चंडीगढ़ से भी टीम आई है मुख्यालय से और हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी बढ़ावा देने के लिए हमने उन्हें बुलाया है, वो भी अपनी यहाँ प्रस्तुति देंगे। तीसरे दिन खत्म होना, तीसरे दिन क्या रहेगा और कल क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? कल हमारा आर्य कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक सेमिनार रखा गया है, उसके बाद कल्चरल एक्टिविटी होंगी 3 से 5 कल, और परसों में हमारी शोभा यात्रा निकलेगी देवी मंदिर से लेकर और आर्य कॉलेज तक, और यहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम उस समय आयोजित किए जाएंगे। जो कलाकार हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और क्या अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे? कलाकार तो आजकल तो हमारे स्कूली बच्चे हैं, वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यालय से कुछ प्रोफेशनल कलाकार आ रहे हैं, कुछ हमारे स्थानीय प्रोफेशनल कलाकार हैं, वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देंगे। अच्छा, ये बच्चों ने सब कुछ बनाया ये चीज़ें सारी? बिल्कुल जी, ये उन्होंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है। विभिन्न जो हमारे स्कूल देख रहे हैं आप, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी स्कूली बच्चे आए, इन बच्चों ने ही मेहनत करके इसे तैयार किया है। अच्छा, ये बाल विवाह दंडनीय अपराध है, गीता महोत्सव उद्यान विभाग, ये भी अपनी अपनी प्रदर्शनियां जो है यहाँ पर लगा? बिल्कुल, ये हमारे जो विभाग हैं उनकी क्या क्या योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं यहाँ प्रदर्शित की गई है मुख्य मुख्य विभागों की। बिल्कुल दीपक हमारे साथ थे, तो आगाज हो चुका है आज गीता महोत्सव का, आप देख सकते हैं स्टेज पर, और काफी
संख्या में बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विभिन्न प्रकार की झांकियाँ जो हैं यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, प्रदर्शनियाँ जो है लगाई हुई हैं और सरकारी क्या कार्यक्रम इनके रहते हैं उसके बारे में जो है बताया गया है। ये विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो है ये भी लगाई गई है और इस तरह की तमाम जो प्रदर्शनियाँ हैं, ये प्रदर्शनी आप देख रहे हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कसौली की तरफ से जो है ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ साथ तमाम तरह के स्कूल जो है यहाँ पर आए हुए हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। और पानीपत में आज आगाज हुआ है गीता जयंती महोत्सव का, आयुष विभाग की आप ये प्रदर्शनी जो है लाइव देख रहे थे और 3 दिन ये कार्यक्रम जो है रहने वाला है, जिसका आगाज आज पानीपत के आर्ये सर्कस ग्राउंड में हुआ है। और आज क्या क्या प्रस्तुतियाँ रहेंगी वो आप लोगों को दीपक कुमार ने विशेष प्रकार से बताया और परसों इस कार्यक्रम का समापन होगा। आप ये देख सकते सुंदर सुंदर यहाँ पर पेंटिंग जो है बनाई जा रही है और पेंटिंग के माध्यम से ये देखिए शंख जो है बनाया गया है। इसी तरह की पूरी तरह ये स्कूली बच्चे जो है पेंटिंग बना रहे हैं और दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है कि गीता महोत्सव में किस तरह की पेंटिंग जो है बनाई जा रही है और अच्छा वातावरण दिया जाए। और इसी को लेकर जिला प्रशासन जो है खास तैयारियां जो है कर रखी थी। एक महिला की जो है पेंटिंग बनाई गई है जिसके हाथ में दीपक है और छननी में आप देख सकते हैं जो रंग होता है, कलर होता है, वो डालकर जो है बड़े अच्छे तरीके से इस पेंटिंग को जो है बनाया जा रहा है। और यहाँ पर पहले पेंटिंग जो है ड्राइंग बनाई जाती है और इसके ऊपर जो है बाद में पेंटिंग का कलर जो है वो डाला जाता है। इस वीडियो के साथ के साथ शेयर जो करें। पानीपत के आर्य कॉलेज के सर्कस ग्राउंड से आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं।